हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। हम लोग देखते हैं 2 PM की क्लास में क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन आंसर सीरीज। और उससे पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने डाउट्स पूछने के लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको फटाफट सारे के सारे डाउट्स के सोल्यूशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टैक्स। तो टैक्स के लिए इनकरेक्ट क्या है ये बात करना है। द पॉइंट वेयर टैक्स लुक्स बींग इम्पोज इज नोन एज इंसिडेंट ऑफ टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट वेयर टैक्स मेक्स इट्स इफेक्ट फेल्ट इज नोन एज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ओके, द टैक्स विच हैज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नो नो नो, दिस इज डायरेक्ट टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बाकी ये स्टेटमेंट लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। पॉइंट या दैट टैक्स विच हैज इंसिडेंस एंड इंपैक्ट एट डिफरेंट पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। दिस वॉज द प्रोग्रेसिव, ठीक है। द मेथड ऑफ प्रोग्रेसन टैक्सेशन हैज इंक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहां से समझ ही सकते हैं। The idea behind the progressive taxation is less tax on people who earn less and higher on higher. बिल्कुल करेक्ट है। This method is believed to discourage more earning by the individual to support low growth and development unintentionally. Again, discourage करने की बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सारा ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए, अगेन सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए क्या है, जीएसटी को लेकर के कुछ लोगों, जीएसटी नहीं, सेस और सरचार्ज को लेकर के थोड़ा सा डाउट हुआ है लोगों को। तो खैर अभी इसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे हम लोग सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। तो गुड टैक्स सिस्टम क्या है, फेयरनेस, बिल्कुल, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ठीक है, सारे ही करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं। वैट के बारे में बात की जा रही है। वैट इज स्मूथ ऑफ टैक्स कलेक्शन एज वेल एज नेम ऑफ स्टेट लेवल टैक्स एट प्रेजेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए वैट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारे लिए अब वैट की जगह पे हम लोगों ने जीएसटी ले आ दिया है। फिर भी अगर एक बार इसके देखें सारे ऑप्शंस, तो टैक्स कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, करेक्ट है, ईदर बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। वैट मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन वैट मेथड इन द सेंस दैट इट इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ वैल्यू चेन, अगेन करेक्ट है। जनरली वैट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट, बिल्कुल इसी के कारण तो जीएसटी लाया गया है, आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल करेक्ट, क्लियर। देखिए हमारा एक क्वेश्चन ये रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक बार देख लेते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में है। रिग्रेसिव मतलब इस तरह से चीजें हुआ करती थी जहां पर इनकम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता था, लेकिन जो टैक्स होता था वो फिक्स होती थी, टैक्स एक फिक्स स्ट्रक्चर ले लेता था, जिसके कारण से जो पुअर लोग थे उनको दिक्कत हो रही होती थी। तो रिग्रेशन क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड having decreasing rate of interest for increasing value, ऐसा कुछ होता है क्या? No, ये fix होती है, और fix होती है तो decreasing rate of interest नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, statement गलत हो जाएगी। The method while appreciated for rewarding the higher producers or income earner is criticized for being more taxing on poor and low producer, ये correct statement, तो answer क्या हो जाएगा इसका, B। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा question answer series देख लिया, ये सारा का सारा देख लिया हम लोगों ने। अब जरा देखते हैं जो डाउट था लोगों का। तो अगर डाउट के बारे में बात करें तो देखिए, दिस इज डाउट, डाउट था लोगों को सेस और सरचार्ज के बीच में, हालांकि मैंने डिस्कस किया था, बट देखिए जितने सीए वाले लोग हैं वो लोग इसको दिल से मत लगाया करें, जो भी सेस या सरचार्ज या जीएसटी कोई भी टैक्सेशन आ जाता है तो आप लोग दिल से लगा लेते हैं। आपको थोड़ा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सीएससी के हिसाब से सोचिए, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की हालांकि जरूरत नहीं है। चलिए खैर फिर भी बता देता हूं। देखिए मैंने सेस और सरचार्ज के बारे में कंसेप्चुअल केवल बताया था आप लोगों को कि क्या जरूरत है, दोनों के दोनों टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया ही था। अब देखिए मान लीजिए जैसे क्या था कि वैट सिस्टम जिस समय होता था उस समय, पहले मैं सिस्टम बता देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। जब वैट होता था उस समय निकलता था अलग से सर्विस टैक्स, अलग से सर्विस टैक्स लगती थी, ये होती थी हालांकि 12%, लेकिन इसको लिया था 12.24% शुरू में लिया था, बाद में इसको बढ़ा करके 12.36% कर दिया गया था, और बाद में इसको और 14% की नियर अबाउट में कर दिया गया था, 14.5% नियर अबाउट में। होता क्या था कि पहले इस सर्विस टैक्स में ही सेस को इंक्लूड कर दिया जाता था। अब जैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सारा का सारा सिस्टम जो होती है, ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा सिस्टम बेसिकली इनकम टैक्स पे होती है,
मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा, इनकम टैक्स पर डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 50 लाख रुपीज है, 50 लाख रुपए है, 50 लाख, ठीक है। इनका जो टैक्स बना मान लेते हैं वो 1.5 लाख रुपए बन रहा है, तो ये है इनकम टैक्स 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा, क्यों? क्योंकि इनकी इनकम बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इनके ऊपर सरचार्ज लगाया गया। तो सरचार्ज लगाया गया वो मान लेते हैं कि 10% सरचार्ज लगाया गया, किस पे लगेगा? टैक्स ऑन टैक्स। तो ये हुआ आपका टैक्स, ये तो इनकम हो गई, इस पे नहीं लगेगा टैक्स ऑन टैक्स, ये है टैक्स, और इस पे 10% लग जाएगा आपका, कितना? 15,000 रुपीज। तो इनपे टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए प्लस 15,000 रुपए और, तो 1.65 थाउजेंड, ये हो गया इनके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। सेस भी लगती है। सेस क्या होती है? अगेन सरचार्ज का एक तरीका ही होता है, जहां पर क्या होती है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो जाता है। जैसे हो गया कृषि कल्याण सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया, बहुत तरह के सेस होते हैं, कई तरह से चीजें लगाई जा सकती हैं। जैसे सेस जो लगते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी लगते हैं, ग्रामीण मतलब जो ग्राम सड़क योजना है उसके लिए भी लगाया जाता है। तो सेस क्या होगा, मान लेते हैं कि जो होता है 4% सेस है, तो 4% सेस किस पे लगेगा? इन टैक्स ऑन टैक्स। तो ये बन गया आपका टैक्स, और इस पे टैक्स लगेगा 1.65 थाउजेंड इंटू 4%, जितना आएगा जोड़ दीजिए इसमें, टोटल बन गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। ये हो जाता है सेस, ये हो जाता है सरचार्ज। दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं अब, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो जनरल टर्म में आती है। जैसे मान लीजिए आपने ओला राइड की, आपने आपका बिल जो बना मान लेते हैं 500 रुपए बना, तो ये बनता है, एक होता है जो बेसिक रेट होती है, बेसिक रेट पे आपका जो बिल बना वो 500 रुपए पे बना। मेरे पास अभी इनवॉइस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इनवॉइस को प्रॉपरली समझाता। बेस रेट है, तो बेस रेट के बाद 500 रुपए। इसमें क्या होता है, ये खुद का टाइम जितना इलैप्स होता है उस टाइम इलैप्स पे भी ये लोग पैसा काटते थे, लेकिन उन्होंने टाइम इलैप्स नहीं लिखा, इन्होंने इसकी जगह पे लिखा था सरचार्ज। तो ये लेमैन टर्म थी इसको बताने के लिए। एक्चुअल में सरचार्ज केवल और केवल इनकम टैक्स पे ही आता है, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे। तो ये टाइम लैप्स की जगह पे सरचार्ज। लेकिन क्या होता है, हम लोग जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि जो लेमैन है वो सही लेमैन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स। तो जितना टैक्स लगा इस पे सर्विस टैक्स लगा उस पे सरचार्ज लग जाएगी। उसके ऊपर में जब टैक्स और सरचार्ज को कैलकुलेट कर लिया जाएगा तब सेस काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं, क्लियर है? तो इस तरीके से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि क्या सिस्टम है। तो यहां पर अगर बात करें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें, तो जितना आपका टैक्स रहेगा, टोटल पेएबल टैक्स, जो भी पेएबल टैक्स होती है, उस पेएबल टैक्स पे आपका लग जाएगा क्या, उस पे लग जाएगा आपका सेस, पेएबल पे लग जाएगा। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, तब आपका सरचार्ज का सीन आएगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स पे आपका सरचार्ज का सीन नहीं आता है, ये टोटल के टोटल केवल और केवल जीएसटी होती है, इसके ऊपर में सेस लग जाता है, ठीक है। तो ये सीन है, ये हुआ बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी सारा का सारा डिस्कशन। आई गेस आप लोग को अब सारी क्लैरिटी आ गई होगी। तो दिस इज द थिंग, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन ऑब्वियसली यू कैन टेलीग्राम, ठीक है। बट मैं अगेन बोलूंगा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, तो आप बता देंगे बोथ आर टैक्स ऑन टैक्स, बट सेस जो होती है वो किसी स्पेशल काम के लिए लगाई जाती है और सरचार्ज जो होती है वो जनरल होती है, उसमें कोई चीज ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए बात लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक तरीके की सेस पे वर्क कर रही होती थी, जो कि 1-1 रुपए एक्स्ट्रा लगाया जाता था, ठीक है। चलिए फिर ये हुआ हमारा आज का डिस्कशन, मिलते हैं अपने 4 बजे वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।